आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेजबान जवेरिया रजा। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कीम 33 में बढ़ते हुए अपार्टमेंट्स के रुझान पे। जैसे कि अपार्टमेंट्स कल्चर पहले गुलिस्तान जौहर में आम हुआ, देन मौसमियात पे काफी अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट बनने लगे, अब स्कीम 33 में अपार्टमेंट्स का रुझान आम होता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं उसका नाम है रेनबो ट्विन टावर्स। रेनबो ट्विन टावर्स इरफान मिठू पटेल ग्रुप की जानिब से बनाया जा रहा है। अगर बिल्डर के और कुछ प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो उनमें आ जाते हैं रेनबो क्लासिक जो कि फर्निश्ड अपार्टमेंट्स है, आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, और पटेल इंडस्ट्रियल पार्क जो कि एक बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम वापस टॉपिक पे आए और रेनबो ट्विन टावर्स के बारे में आपको मजीद डिटेल्स देते चले तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क की। इस प्रोजेक्ट का 50% डेवलपमेंटल वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है जो कि एक बहुत अच्छा स्कोप लेकर आता है प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि उनके डेवलपमेंटल वर्क लॉन्चिंग के बाद यानी काफ़ी अरसे बाद शुरू किया जाता है। अगर जनवरी बोला जा रहा है तो डेवलपमेंटल वर्क कहीं जाके जून जुलाई में शुरू होगा, तो नहीं, यहाँ का काम अच्छा खासा मुकम्मल हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ की लोकेशन की तो एन मैमार मोड़ पे ये प्रोजेक्ट वाकई है। अगर पेमेंट प्लान्स पे आए तो 20% डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पे अपना अपार्टमेंट हासिल कर सकते हैं। कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 2-bed DD और 3-bed DD अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अगर एरिया की बात करें तो 2-bed का कवर्ड एरिया है 1050 square feet और 3-bed का कवर्ड एरिया है 1175 square feet। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें और आपको पोजेशन कब दिया जाएगा तो 40 माह के बाद आपको यहाँ का इंस्टॉलमेंट फराहम कर दिया जाएगा। और रोड्स यहाँ पे आसपास कार्पेटेड हैं। अगर हम बात करें यहाँ के मेन प्राइमरी लोकेशंस या लैंडमार्क्स की तो पिज़्ज़ा हट, जेड और मिज़ान बैंक जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी इस बिल्डिंग में मौजूद है और फंक्शनल है। अगर आप गूगल मैप्स पे ये सारी लोकेशंस देखेंगे तो आप एन इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, हमसे राबता कीजिए ताकि हम आपको इसकी मजीद डिटेल्स फराहम कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।